हम कौन हैं ये हमारा चरित्र तय करता है, हमारे आचार विचार हमारे कर्म तय करते हैं, हमारा डीएनए और हमारे नायक तय करते हैं। जैसे हमारे हीरोज वैसे हम। इसीलिए मैं बार बार दोहराता हूं, अपने हीरोज ध्यान से चुनें और ये कभी ना भूलें कि आप किसके वंशज हैं। आज मैं उस महनीय व्यक्तित्व से आपको जोड़ूंगा जिसके वंशज अपने सत्कर्मों से आज पूरे विश्व में आदर पा रहे हैं। ये लोग भगवान महावीर स्वामी के पद चिन्हों पर, उनके प्रशस्त किए हुए मार्ग पर चलते हैं और जैन कहलाते हैं। जैसे हमारी अमृत स्वरूपा माँ गंगा सात धाराओं में अपनी यात्रा आरंभ करती है और अंत में गंगा बनकर ही सागर तक पहुंचती है, वैसे ही भारत भूमि पर जन्मे अलग अलग मत, सिद्धांत, समुदाय, वर्ग, संप्रदाय और समाज सब अंततः सनातन का ही अंश हैं। जैन पंथ भी हमारे लिए उतना ही शिरोधारी है जितना सनातन, क्योंकि दोनों में कोई अंतर है ही नहीं। महावीर स्वामी जैसे अद्वितीय व्यक्तित्व के पीछे चलने का परिणाम क्या हुआ? हमारे जैन भाई बहन मैं नहीं हम की भावना लेकर जीते हैं। चमन में रंग और खुशबू मिले तो बात बनती है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। त्याग और परोपकार में जैन समाज की बराबरी शायद ही दुनिया में कोई कर पाए। कुछ आंकड़े बताता हूं, ध्यान से सुनिए। हमारे देश में लगभग 16,000 गौशालाएं हैं जहां गाय की सेवा मां की तरह की जाती है। इनमें से 12,000 गौशालाएं जैन समाज संचालित करता है। देश में होने वाले कुल दान का लगभग 62% हिस्सा भगवान महावीर के यही अनुयायी दान करते हैं। देश के कुल इनकम टैक्स में जैन समाज की हिस्सेदारी लगभग 24% 24% है। यानी एक लाइन में कहा जाए तो हमारे देश के विकास में जैन समाज का योगदान लगभग 25% है, जबकि जैनों की कुल गिनती सिर्फ 0.37% यानी आधे प्रतिशत से भी कम है। नमन है भगवान महावीर स्वामी के इन संतानों को, नमन है भगवान गोमतेश्वर बाहुबली के इन बेटे बेटियों को, जिन्होंने इतनी कम गिनती में होने के बावजूद कभी माइनॉरिटी कार्ड नहीं खेला, अपने अल्पसंख्यक होने का रोना नहीं रोया, बल्कि पूरे देश में मुस्कुराहटें बांटी। जैनों ने कभी अपनी संख्या को हथियार बनाकर कोई अनुचित मांग नहीं की, कभी ये शोर नहीं मचाया कि मेजॉरिटी वाले उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं समझता हूं दुनिया की हर माइनॉरिटी को स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेम हमारे जैन भाइयों बहनों से सीखना चाहिए। देश को दोनों हाथों से दिया और बदले में मुट्ठी भर भी वापस नहीं मांगा। आने वाले दिनों में भारतवर्ष फिर से सोने की चिड़िया बना, जो कि जरूर बनेगा, तो उस चिड़िया के पंख हमारे जैन भाइयों और बहनों के आभारी रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर। आज मैं और आप मिलकर उस महानायक से जिंदगी के सबक सीखेंगे जिसकी वैज्ञानिक सोच और रैशनल अप्रोच के आगे दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी सर झुका दिया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, मैं नहीं जानता कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता, लेकिन अगर मैं धरती पर दोबारा वापस आया तो जैन समाज में जन्म लेना चाहूंगा। ऐसा नहीं कि भगवान महावीर स्वामी को आइंस्टाइन या किसी और के अनुमोदन की जरूरत है, लेकिन जब इतना बड़ा आदमी कोई बात कहता है तो उसमें कुछ तत्व तो जरूर होगा। जिस मास को आज हमने जिंदगी की जरूरत मान लिया है, जैन मुनि सैकड़ों वर्षों से उसे धारण करते आ रहे हैं। बैक्टीरिया और वायरस जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अस्तित्व जैन समाज वैज्ञानिकों से हजारों वर्ष पहले ही जान चुका था। आर्ट ऑफ लिविंग का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आज आया है। आज दुनिया के सारे साइकोएनालिस्ट चीख चीख कर कहते हैं, इफ यू कैन कंट्रोल योर माइंड यू कैन कंट्रोल द वर्ल्ड। लेकिन जैन दर्शन में शुरू से ही इंद्रियों को जीतने पर जोर दिया जाता है। जय जिनेंद्र सुना होगा आपने, इसका अर्थ जानते हैं आप? उसकी जय जो जितेंद्रिय हो गया, जिन हो गया, जिसने इंद्रियों को जीत लिया। माइंड कंट्रोल का साइंस दुनिया में सबसे पहले या तो जैन दर्शन ने दिया या फिर भगवान श्री कृष्ण ने। याद कीजिए गीता में भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृहम यते।
हे महान बाहू वाले अर्जुन, मन बड़ा चंचल है लेकिन अभ्यास से इसको वश में किया जा सकता है और वैराग्य तक पहुंचा जा सकता है। पेड़ पौधों में जान होती है, दे आर लिविंग, ये कॉन्सेप्ट भी सबसे पहले जैन दर्शन से ही जन्मा था। हमारे महान वैज्ञानिक श्री जगदीश चंद्र बोस ने जैन दर्शन की इसी सोच पर मोहर लगाते हुए सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधे निर्जीव नहीं होते, उनमें जान होती है। आज दुनिया के बड़े से बड़े न्यूट्रिशनिस्ट ये जोर देकर कहते हैं कि रात का भोजन सूर्यास्त से पहले कर लेना चाहिए ताकि मेटाबॉलिज्म डाउन होने से पहले भोजन को पचाया जा सके। ये अनुशासन, ये डिसिप्लिन जैन मत के फॉलोअर्स सदियों से मानते आ रहे हैं। जैनों ने ही सबसे पहले बताया था कि शब्द जो हम बोलते हैं ये सूक्ष्म परमाणु के रूप में हर पल हमारे चारों ओर मौजूद रहते हैं, ये कभी नष्ट नहीं होते, आवाज कभी मरती नहीं। जगदीश चंद्र बोस और मार्कोनी ने रेडियो की खोज करके इस तथ्य को भी सही साबित कर दिया। इन दिनों वीगन होने का बड़ा चलन है, सेहत के लिए भी और जानवरों के प्रति क्रूरता से बचने के लिए भी वीगन एक सही रास्ता है। पूर्णतः अहिंसक होने के लिए वीगन हो जाने का सिद्धांत हमें ओरिजिनली जैनों ने ही सिखाया है। जरूरी नहीं कि जो नया है वही सही है और जो पुराना है वो अप्रासंगिक, पॉइंटलेस, इररिलेवेंट। जिस दिन हम अपनी एंशियंट विजडम को जान पाए हमारे होश उड़ जाएंगे, हम हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि आज जो खोजा जा रहा है वो हमारे पूर्वजों ने शताब्दियों पहले खोज लिया था। हम वो संपदा संभाल कर रख पाते तो आज कहीं और होते। अब भी देर नहीं हुई है, अपने अतीत का सम्मान आज से आरंभ करते हैं, भविष्य अपने आप उज्ज्वल हो जाएगा। महाजनपदों के युग में भारत भूमि पर विस्तृत 16 महाजनपदों में से एक था वैशाली, वैशाली गणराज्य। यहां के राजा थे इक्ष्वाकु वंशीय महाराज सिद्धार्थ। इक्ष्वाकु वंश, इसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। ये वही गौरवशाली वंश है जिसमें महादानी महाराज हरिश्चंद्र से लेकर मां गंगा को पृथ्वी पर लाने वाले महाराज भगीरथ जैसे परम प्रतापी सम्राट हुए हैं। और इन सब से ऊपर ये वो पुण्य वंश है जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अवतार लिया है। और इसी वंश में आज से 2500 साल पहले वैशाली के कुंड ग्राम में राजकुमार वर्धमान का जन्म हुआ था। वर्धमान ने कैवल्य यानी परम ज्ञान प्राप्त किया और जैनों के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी कहलाए। भगवान श्री राम और महावीर स्वामी जी के बीच बहुत सी समानताएं हैं। जैसे महावीर स्वामी और श्री राम दोनों महापुरुषों का जन्म तो राजपुत्र के रूप में हुआ था लेकिन महलों के सुख कभी उन्हें बांध नहीं पाए। श्री राम 14 वर्षों तक रामत्व की खोज में वन वन भटके और महावीर स्वामी ने भी इसी परम ज्ञान की खोज के लिए अपना घर त्याग दिया था। 12 वर्षों की कठिन साधना के बाद वैशाख शुक्ल दशमी को ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल नामक वृक्ष के नीचे इन्होंने परम ज्ञान की प्राप्ति की थी। वनवास के बाद जब श्री राम अयोध्या लौटे तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए और महावीर स्वामी कैवल्य प्राप्ति के बाद अरहत यानी पूज्य, केवलिन यानी पूर्ण, निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन और जिन यानी इंद्रियों के विजेता कहलाए और इसीलिए इनके अनुयायियों को जैन कहा गया। जैन यानी जो जिन भगवान महावीर के अनुगामी हो। दुनिया में हर विवाद का, हर तकरार का, हर मतभेद का एक ही कारण है, मैं सही तुम गलत। इसी सोच ने आज हमारी सुरक्षा और शांति के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा कर दिया है। कुछ रिलीजन्स मानते हैं कि बस उन्हीं का ईश्वर बड़ा है, महान है, सत्य है, बाकी सबके झूठ। जो उनकी मान्यताएं हैं वो सही, दूसरों की मान्यताएं धारणाएं सब गलत। मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं जिस सनातन धर्म में जन्मा हूं उसकी सोच इतनी छोटी, इतनी संकीर्ण नहीं है। हमारा ऋग्वेद कहता है एकम सत विप्रह बहुधा वदंती, यानी सत्य एक है लेकिन ज्ञानी अपनी अपनी सोच और समझ से उसे अलग अलग रूपों में परिभाषित करते रहते हैं।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहां ही सुनहि बहुविधि सब संता। हम नहीं मानते कि कोई गलत है कोई छोटा है, सब सही हैं, सब एक ही परमात्मा के संतान हैं। दूसरों के विचारों का, उनके मत का सम्मान जैन दर्शन की जड़ों में अंदर तक प्रविष्ट है। एक बार एक चित्रकार अपना कोई चित्र लेकर कहीं जा रहा था। वो खेतों की पगडंडियों पर पहुंचा तो उसे देखते ही दो नागरिक आपस में बहस करने लगे। एक कह रहा था चित्र लाल रंग का है, दूसरा कह रहा था चित्र पीले रंग का है। देखते ही देखते विवाद काफी बढ़ गया। तब तक वहां भगवान महावीर आ पधारे। उन्होंने पहले दोनों को शांत करवाया और फिर उन्होंने दोनों ओर से चित्र को देखा। चित्र पट पर दोनों ओर से चित्र बने हुए थे, एक ओर लाल एक ओर पीला। भगवान ने कहा, तुम दोनों ने केवल अपनी अपनी ओर से चित्र को देखा है, इसीलिए तुम्हें चित्र एक ही रंग का नजर आ रहा है। तुम दोनों अपनी अपनी जगह सही हो, लेकिन सिर्फ तुम ही सही हो, ऐसा दावा नहीं किया जा सकता। इसके बाद भगवान महावीर ने उन्हें अनेकांतवाद की दीक्षा दी। अनेकांतवाद कहता है, दुनिया का कोई भी विचार अपने आप में पूर्ण नहीं है, कंप्लीट नहीं है। आपका विचार आपके दृष्टिकोण से सही हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा विचार झूठा है, गलत है। आप अपनी जगह सही हो सकते हैं, मैं अपनी जगह सही हूं। आपसी स्वीकार्यता, आपसी सामंजस्य के लिए इससे बेहतर विचार दुनिया में और कहीं हो ही नहीं सकता। ये वो विचार है जिसे अगर जीवन में उतार लिया जाए तो कट्टरपंथ, आतंकवाद, उग्रवाद, नस्लवाद और नक्सलवाद जैसी चुनौतियां पलक झपकते ही समाप्त हो जाएंगी। नई दुनिया के लिए, नए मनुष्य के लिए, 21वीं सदी के लिए अनेकांतवाद से बड़ा कोई और दर्शन नहीं है, कोई और फिलॉसफी नहीं है। एक और कथा मुझे याद आती है। एक जगह राम कथा चल रही थी। पवन पुत्र हनुमान संयोग से वहीं से गुजर रहे थे। उनका मन हुआ कथा सुनने का, तो वो भेष बदलकर गांव वालों के साथ बैठ के राम कथा सुनने लगे। कथावाचक ने कहा, जब हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे तो वहां हर तरफ पेड़ लगे थे और पेड़ों पर सफेद फूल खिले हुए थे। माँ सीता एक पेड़ के नीचे बैठी सिसक रही थी। इतना सुनते ही हनुमान जी, जो गांव वालों के भेष में थे, वो उठ खड़े हुए और बोले, कथावाचक जी, प्रसंग तो आप सही सुना रहे हैं, लेकिन वहां पर फूल सफेद नहीं, लाल रंग के थे। यह सुनकर कथावाचक ने कहा, नहीं, फूल सफेद रंग के ही थे, बैठ जाओ। हनुमान जी अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए और बोले, मैं स्वयं पवन पुत्र हनुमान हूं, मैं ही गया था अशोक वाटिका, मैं कह रहा हूं कि फूल लाल रंग के थे। कथावाचक ने फिर उन्हें प्रणाम किया और बोले, महावीर, हनुमान जी को भी हम महावीर कहते हैं, महावीर, वहां फूल सफेद ही थे। अब हनुमान जी बहुत आहत हो गए, उन्हें अच्छी तरह से याद था कि फूल लाल रंग के थे। हनुमान जी तुरंत भगवान श्री राम के पास पहुंचे, उनसे कहा, प्रभु, वो कथावाचक बता रहा है कि अशोक वाटिका में फूल सफेद रंग के थे, जबकि फूल तो लाल रंग के थे, मैंने देखा था, मैं वहां था। श्री राम मुस्कुराए और बोले, हनुमान, फूल सफेद रंग के ही थे। अब हनुमान जी को बड़ा गुस्सा आया, वो कॉन्फिडेंट थे कि फूल लाल रंग के थे। उन्होंने कहा, अरे आपको क्या पता भगवान, आप तो वहां थे ही नहीं, मैं माता सीता से पूछता हूं, वो थी वहां। हनुमान जी माता सीता के पास गए। माता सीता पूरी बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, हनुमान, अशोक वाटिका में जो फूल थे वो सफेद रंग के ही थे। अब हनुमान जी एकदम बेचैन हो गए, उन्हें अच्छी तरह याद था कि फूल लाल रंग के थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कथावाचक, स्वयं श्री राम और माता सीता, सब लोग गलत बोले। अंततः वो वापस कथावाचक के पास गए और उनसे कहा, आप ही शंका का समाधान करें। कथावाचक ने कहा, मेरे पूज्य बजरंग बली, अशोक वाटिका में फूल सफेद रंग के ही थे, लेकिन अपनी माता जगत जननी माँ सीता को वहां यातना में, कष्ट में देखकर आपकी आंखों में क्रोध से रक्त उतर आया था, इसीलिए आपको सफेद फूल भी लाल दिखाई दे रहा था। तो जीवन के फूल न सफेद रंग के होते हैं न लाल रंग के, वो उसी रंग के होते हैं जिस दृष्टि से आप उन्हें देखते हैं। आपने बड़े धैर्य से मुझे सुना, आपका आभार।